नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आइए अब चलते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आज राहुल गांधी के नेतृत्व में काली पट्टी बांध का प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सांसद ई अहमद की मौत के मामले को दबाने का आरोप लगाया है। जाहिर है कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सांसद ई अहमद का दिल का दौरा पड़ा था और इलाज के दौरान उनके अस्पताल में मौत हो गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उनकी मौत की खबर को दबाना चाहती थी ताकि 1 फरवरी को बजट पेश करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आज संसद में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे पर आज संसद में हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चुनावी दौरा लगातार चल रहा है। आज अखिलेश सीतापुर में 6 और लखीमपुर खीरी में 1 चुनावी जनसभा करेंगे। सीतापुर जनपद से 6 चुनावी सभाओं के तहत सिधौली विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मनीष रावत, मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रामपाल राजवंशी, पिसावा विधानसभा क्षेत्र से अनुज गुप्ता, सेवता से शिव कुमार गुप्ता, मोहम्मदाबाद से नरेंद्र सिंह वर्मा और बिस्वा से प्रत्याशी अफजाल कौसर अंसारी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके अलावा अखिलेश विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर और श्रीनगर की एक संयुक्त सभा कर सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा और रामचरण मौर्य को जिताने की जनता से अपील करेंगे। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज प्रदेश में चुनावी अभियान के तहत फरुखाबाद और आगरा जिले में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत मायावती की पहली चुनावी जनसभा फरुखाबाद जिले के रामलीला मैदान कमालगंज में होगी जबकि दूसरी जनसभा आगरा जिले के कोठी मीना बाजार में आयोजित होगी। यह वही मैदान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया था। बता दें आपको, बीएसपी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बीएसपी मुखिया ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में जंगलराज समाप्त करके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की दोबारा सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4थे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 4थे चरण में प्रदेश की 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला होगा। अधिसूचना जारी होते ही इन विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4थे चरण में जिन 12 जिलों में चुनाव हो रहा है उनमें से 7 बुंदेलखंड के हैं। इस चरण में 1,84,00,000 मतदाता अपने वोट के जरिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तकदीर तय करेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किया जा सकेगा। 4थे चरण में जिन जिलों में चुनाव होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने उनके जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने की सख्त हिदायत के साथ आदर्श आचार संहिता को अनुपालन कराने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन नजदीक आने के साथ नेताओं के जुबानी हमले तेज और खतरनाक होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सूबे के कद्दावर मंत्री आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी जनसभा के दौरान कुछ ऐसा ही बयान दिया। रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान आजम खान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के बदले पीएम मोदी पर बरस पड़े। आजम खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 2 साल में 80 करोड़ के कपड़े पहनते हैं और देश की बड़ी आबादी कपड़ों के लिए तरसती है। ये पहली बार नहीं है कि आजम खान ने इस लहजे में पीएम पर हमला बोला हो। इससे पहले भी उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश का सबसे बड़ा रावण दिल्ली में बैठा है। प्रधानमंत्री जी, आपको हमारी आवाज एक कमजोर की आवाज नहीं है। आपने 2 साल में 80 करोड़ रुपए के कपड़े पहने। एक ऐसे देश है जहां पूरब में चले जाओ तो एक मां के पास और एक बेटी के पास सिर्फ 1 साड़ी है। मां नहा लेती है तो बेटी नहाती है और बेटी नहा लेती है तो मां नहाती है। यह हिंदुस्तान की असल तस्वीर। उस हिंदुस्तान का बादशाह 2 साल में 80 करोड़ के कपड़े पहनता है। 80 करोड़ लोगों को निवास मिल गया होता अगर उनके बजाय अपने बजाय उनको कपड़ा दिए। सरकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसी से मालूम पड़ता है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक तरह से हार चुकी है। ऐसे भाषा का प्रयोग और इस प्रकार की टिप्पणी केवल वही व्यक्ति करता है जिसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसमें बौखलाहट होती है और जो हार के चोट को सहन करता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विद्युत कानून और सड़क अर्थात विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रही है
वहीं समाजवादी पार्टी गाली गलौज पर उतर आई है, अभद्र भाषा पे उतर आई है। देखिए जब इतनी गर्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश का की लड़ाई जो है वो मुझे लगता है देश को दिशा दर्शाने वाली लड़ाई है, तो जाहिर है सब अपने अपने उरूज पर हैं, सब जहां जिधर जिसको कोई ABCD मिलता है तो वो उस पर काम चलाता है, कोई एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए रावण कहता है, कोई क्या कहता है। वो आज़म खान ने जवाब में कहा है ये, जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कल और आज में बहुत कुछ अखिलेश के खिलाफ कहा, तो ये स्वाभाविक। प्रधानमंत्री के ताल्लुक से बात की जाए तो उसके अंदर एक वजन भी होना चाहिए, और प्रधानमंत्री चाहे कितने बड़े मुखालिफ हों हमारे और प्रधानमंत्री सियासी तौर पर हमारी कितनी भी मुखालफत करें, लेकिन जब उनके ताल्लुक से बात की जाती है तो उसमें भाषा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को अगर ये कहा जा रहा है, अगर उनका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ से है तो इसकी ज़रूरत नहीं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। अयोध्या के पास फैजाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान कटियार ने कहा कि जैसे बाबरी ढांचे को गिराया गया, ठीक उसी तरह से सरकार मंदिर का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन होगा जब आप वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाएंगे। मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसी भी हमने कहा ना, जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। क्या है ये जन जन में लोगों को मालूम है, कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? To take note and take action because it is an issue, communal issue which is being raised at this point of time to polarize the people of Uttar Pradesh, keeping in view the elections. That's what one should understand. ये मुद्दे क्यों मुखर हो जाते हैं? ये सारे मुद्दे, कहराना, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का तोड़ना, क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जाए, जिस पर भाजपा अपनी इलेक्शन की नींव रखती है और धार्मिक ध्रुवीकरण से ही वोट मिलेंगे? मुद्दों की क्यों नहीं बात करते हैं? वो विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? एक्रोनिम बहुत बनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री, और मैं मानती हूं कि जो भी रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं या जो भी विनय कटियार कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मौजूदा प्रक्रिया खत्म होने के बाद केंद्र सरकार संभवतः ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित करने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। ये संकेत देते हुए केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सपा, कांग्रेस और BSP को इस विवादित मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इस बात पर जोर देते हुए ये मुद्दा किसी धर्म या आस्था से नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन उपासना पद्धति और कुप्रथा साथ साथ नहीं चल सकते। इधर बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी ट्रिपल तलाक को गलत और गैर कानूनी बताया है। उनका कहना है कि यह जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। मामला है, ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 जो तलाक है ये गैर कानूनी है, 3 तलाक ये बिल्कुल बेकार है और इससे महिलाओं को निजात मिलनी चाहिए। जैसे सबके लिए हिंदुओं में एक नियम बना हुआ, कानून बना हुआ है, उसी प्रकार से उधर भी कानून बनना चाहिए, 3 तलाक समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और TV चैनलों में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार का पक्ष रख रहे गौरव भाटिया ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव भाटिया पार्टी के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता भी थे। इन पदों से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रमुख, पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव और वर्तमान प्रमुख और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेज दिया है। गौरव भाटिया जल्द ही किसी और दल के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। ये ऐसा निर्णय है जो कतई आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के ये निर्णय मैंने लिया है। अपने शुभ चिंतकों से बात करके, अधिवक्ता भाइयों से बात करके जो प्रदेश भर से आए थे, ये निर्णय मैंने लिया है। और ये जरूर कहूंगा कि सिद्धांतों से समझौता करके अगर कार्य करना पड़े तो व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे
चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दलों में बयानबाजी तीखी हो रही है। तीन तलाक के मुद्दे पर बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मंदिर के नाम पर अमित शाह वोट मांग रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जेल जाना चाहिए। कहते हैं कि तीन तलाक के मामले में हम दखल देंगे। अरे भाई, तुम कौन होते हो तीन तलाक के मामले में दखल देने वाले? ये हमारा मामला है तीन तलाक का, तुम्हें टांग फंसाने की जरूरत नहीं है। मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तुम कौन होते हो भाई, तुमने कैसे कह दिया कि तीन तलाक का मामला? उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 33 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने गंगोत्री से विधानसभा से मुरारीलाल भट्ट, सत्य सिंह राणा, महेश पवार, ऋषिकेश विधानसभा से गोविंद अग्रवाल, ज्योति सजवाड़, जयद्र शर्मा, किशन नेगी, रमन सैनी, प्रदीप दुबे, सतीश दुबे, पंकज गुप्ता, बलवीर रायपुर विधानसभा से महेंद्र नेगी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं यमुनोत्री विधानसभा से रणवीर सिंह राणा, थराली विधानसभा से गुड्डू राम, टिहरी विधानसभा से संजय मैठानी, मसूरी विधानसभा से राजकुमार जायसवाल, ज्वालापुर विधानसभा से सुभाष चंचल, झवरेड़ा विधानसभा से हरपाल हवलदार, पौड़ी विधानसभा से मनोहर लाल पहाड़ी सहित और तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यूपी के रामपुर में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत मौके से 4 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान होना था। पकड़े गए आरोपी का नाम फरीद बताया जा रहा है। सूचना मिली कि थाना साजापुर के गांव लखना खेड़ा में एक अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस सूचना पे गई, जिसमें फैक्ट्री पकड़ी गई और 5 गिरफ्तार हुए, जिसमें एक फैक्ट्री बनाने वाला है, वो लोग मरम्मत कर रहे हैं। फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा में अब 2 दिग्गजों के बीच संघर्ष सामने दिखने लगा है, जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरिओम यादव के बेटे अपने पिता के लिए वोट मांगने पेगू गांव पहुंचे। तभी वहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह तो बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर पूरी तरह से घायल हो गया। खबर सुनते ही विधायक समर्थित सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। उसके बाद विधायक समर्थित लोग थाने पहुंचे और वहां बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन 11 फरवरी को होने वाले चुनाव में सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। अध्यक्ष जी ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, निष्पक्ष विवेचना होगी। सत्यकार हमारा छोटे बेटे हैं, विजय प्रताप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वोट मांगने गए थे तो भाजपा के एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी है, वहीं महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव की हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सबसे ज्यादा नजर है बीएमसी चुनावों पर, जहां शिवसेना ने अब बीजेपी के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपनी एक सभा में नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से किसानों और महिलाओं की बचत पर शक कर उन्हें चोर समझा गया, तो क्या आप चोरों के प्रधानमंत्री हैं? उद्धव ने कहा कि नोटबंदी कोई प्राकृतिक संकट नहीं है, जानबूझकर बनाया हुआ संकट है। बीजेपी से अलग होकर बीएमसी चुनाव लड़ रही शिवसेना का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। मुंबई में रविवार को बीजेपी ने अपने नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक विशेष सभा बुलाई थी। इस सभा में आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के प्रचार के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि पूरी तरह पार्टी के प्रचार में प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपना पूरा समर्थन पार्टी को देंगे। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला सूबे की अगली सीएम होंगी। इससे पहले पार्टी की बैठक में तमिलनाडु के सीएम ओ पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद पनीरसेल्वम ने राज्यसभा सीएच विद्यासागर राव को इस्तीफा भेज दिया। पनीरसेल्वम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा निजी कारणों से दे रहे हैं।
एआईएडीएमके के विधायकों ने शशिकला को विधायक दल का नया नेता चुना है। पनीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद शशिकला के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। खुद पनीर सेल्वम ने सीएम पद के लिए शशिकला के नाम की पेशकश की। पार्टी की तरफ से शशिकला के सीएम बनने को लेकर जानकारी दी गई और कहा गया है कि पार्टी महासचिव शशिकला अगले सीएम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया गैंगरेप मामले की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शनिवार को दो दोषियों मुकेश और पवन की ओर से उनके वकील एमएल शर्मा ने दलील पूरी की। अब बाकी दो दोषी विनय और अक्षय की ओर से आज अंतिम जिरह होगी। इसके बाद एक और सुनवाई 13 फरवरी को है। उसके बाद कोर्ट इस मामले में सजा कितनी दी जाए इस पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को इस बात की इजाजत दी है कि वो सजा के मामले में हलफनामे के जरिए अपनी ओर से उन परिस्थितियों को बताए जिसके चलते उन्हें सजा में रियायत दी जाए। इसके लिए दो हफ्ते के अंदर दोषियों के वकील तिहाड़ जेल जाकर अपने मुवक्किल से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर फास्ट ट्रैक सुनवाई कर रहा है। गैंगरेप के चार दोषी मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। दिल्ली नेहरू प्लेस इलाके में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश अकबर को गिरफ्तार किया जबकि उसके एक साथी राशिद भागने में कामयाब रहा है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के बुलेट प्रूफ में गोली लगी लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले ही इन बदमाशों ने प्रहलादपुर में फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि पीछा करने पर पहले बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से 13 राउंड गोलियां चली। इन बदमाशों पर हत्या और हत्या की कोशिश के मामले हैं। गिरफ्तार बदमाश अकबर के पास से कई कारतूस भी मिले हैं। मोमेंटम झारखंड के तहत रांची में 16 और 17 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से मोमेंटम झारखंड के लिए की गई तैयारी का जायजा लेंगे और आवश्यक निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक पिकअप वैन और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहते हैं सोच ही बदलाव का आधार होता है, कुछ ऐसा ही देखने को मिला महानगरी मुंबई में। यहां सिर्फ एक सोच के चलते बुजुर्गों का स्कूल चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले साल मुरबाट तालुका के फागने गांव में एक बुजुर्ग महिला ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी और उन्हीं की इच्छा में यहां एक स्कूल की शुरुआत की गई। शुरुआती दिनों में इस स्कूल के साथ 28 बुजुर्ग महिलाएं जुड़ी और अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। स्कूल में इन बुजुर्ग महिलाओं को बुनियादी शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस गांव में लोगों की जागरूकता चलते हर घर में शौचालय बनवाए गए हैं और पेड़ लगाए गए हैं। गुजरात के वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी में बीती रात जमकर हिंसा हुई। छात्रों के दो गुटों में हुई हिंसा में 20 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए जिसमें से एक छात्र की हालत गंभीर है। पूरे विवाद की शुरुआत रात 9:15 के बीच हुई जब मामूली बात को लेकर देशी और विदेशी छात्रों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पारुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में देश और विदेश के करीब 5,000 छात्र रहते हैं। देशी और विदेशी छात्रों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं जो आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि विवाद की शुरुआत दो छात्रों की बाइक में टक्कर से हुई। दो छात्रों का विवाद देशी और विदेशी का बन गया और फिर जो हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजकोट में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 65,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही बड़ौद में भी इस तरह के मैराथन का आयोजन किया गया है, ये हमारे लिए गर्व का पल है। एशिया का सबसे बड़ा मैराथन राजकोट में हुआ है। करीबन 65,000 से ज्यादा हमारे सिटीजन्स उन्होंने हिस्सा लिया है जिसमें दिव्यांग लोग भी है, जिसमें सीनियर सिटीजन भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है। ये राजकोट में सबसे बड़ा मैराथन यहाँ हुआ है और राजकोट वासी के नाते मुझे भी गर्व है।
जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी, बारिश और आंधी की वजह से एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई है तो डोडा रामबाड़ में 180 मकान ढहने की खबर है। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार चार दिनों से बंद है। ताजा बर्फबारी को देखते हुए चंडीगढ़ स्थित स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट सेस ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एवलांच की वार्निंग जारी की है। उधर हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में हुए बदलाव में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी रविवार को हल्की बारिश हुई। यहां मिनिमम टेम्परेचर 15.5 डिग्री और मैक्सिमम 23.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से एवलांच में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी एवलांच की वजह से 15 लोगों की मौत हुई। तो फिलहाल एपीएन सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।